अस्सलाम वालेकुम, लाइव सेवा प्रोग्राम के साथ मैं हूं ज़ुबैर शारिक। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दुनिया भर में एक वायरस ने खौफ व हरास फैला रखा है। ये वायरस आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। ये वायरस चीन के शहर वुहान से शुरू हुआ और अब आगे फैल रहा है या नहीं फैल रहा मालूम नहीं। ये वायरस क्या है, कैसे काम करता है और इसे कैसे बचा जाए, ये हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की, और इसी मौजू पे बात करने के लिए हमने जिस मेहमान को मदऊ किया है उनका नाम डॉक्टर सुलेमान काजमी साहब है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल चाल है, खैरियत से? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, ये कोरोना वायरस क्या है? देखिए जी, ये इस तरह ही है, जिस तरह पिछले साल एक खौफ हरास फैल गया कि जी स्वाइन फ्लू आ गया है, स्वाइन फ्लू की वजह से लोगों की सांस ख़राब हो रहा है, सांस ख़राबी के बाद उनको एक नमूनिया टाइप पिक्चर होती है जिसमें फेफड़े उनके वाइट हो जाते हैं एक्सरे पे, और उनको वेंटिलेटर पे मसनूई सांस की मशीन यानी कि वेंटिलेटर पे डालना पड़ जाता है, और उसके साथ कोई 7 दिन के अंदर अंदर उनकी डेथ भी हो जाती है। और कई केसेस हुए भी ऐसे रिपोर्ट, जिस तरह कुछ मुल्तान में 2-3 डेथ्स हुई, और उसके बाद पूरे मुल्क में खौफ हरास फैल गया कि जी स्वाइन फ्लू कोई वायरस आ गया है जो एक इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो रहा है, और उसके अंदर एक इसी तरह इस साल ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है। ये इन वायरसेस का सबसे बड़ा जो एक ख़ास चीज़ है वो ये है कि ये सांस के ज़रिए एक दूसरे को ट्रांसमिट होते हैं, और जब आप छींक मारेंगे तो 2 मीटर की रेंज के अंदर जितने भी लोग हैं, या अगर एक बंद कमरा है तो उसके अंदर जितने लोग मौजूद हैं उनको आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी कि छूत की बीमारी की तरह एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो जाएगा। और इस वायरस के अंदर जो कोरोना वायरस है वो ये है कि अगर जो आप वो जो बंदा जब छींक मारता है एक मरीज़ या कोई जो बंदा जिसके अंदर ये मौजूद है, तो वो वायरस आंखों के जो कंजंक्टिवा है, ये जो आंखों के ऊपर अल्लाह ताला ने एक लेयर रखी हुई है, उसको अगर उसके ऊपर जाके बैठेगा तो उसके ज़रिए भी ट्रांसमिट हो जाएगा। इसलिए आपने जब चाइना के लोगों की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे या चैनल्स पे आई हैं तो उसमें उन्होंने गॉगल्स पहने हुए हैं और N95 मास्क एक इस्तेमाल करें। N95 एक मोटा मास्क होता है जिसको लगा के आप टीबी से सेफ़ हो जाते हैं। बेसिकली ये मास्क बनाया गया था अमेरिका में टीबी से महफूज रहने के लिए, और टीबी को भी और मुख्तलिफ बैक्टीरिया को भी ये उससे उनसे बचाता है और वायरस से भी बचाता है। डॉक्टर साहब, इस वायरस की अलामतें क्या क्या हैं? देखिए जी, एक नॉर्मल फ्लू की तरह शुरू होता है, जिस तरह एक नाक से पानी का बहना, आँखों से पानी का बहना, जिस्म टूटना, ये तमाम एक वायरल इन्फेक्शन की जो अलामत हैं उनके ज़रिए शुरू होता है। और उसके बाद कुछ कैटेगरीज़ में जो कि जिसमें बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं जिनको शुगर का अर्ज़ा है, दिल का अर्ज़ा है, या पुरानी कोई और बीमारियां चल रही हैं साथ, उनमें ये वायरल नमूनिया कर सकता है। नमूनिया का मतलब होता है कि एक फेफड़ों में आपके एक रेशा आ जाना और सांस में दुश्वारी के साथ आपका अस्पताल में आना और सांस ना ले सकना, जिसकी वजह से लोग अस्पतालों का रुख करते हैं। और ये जो वायरसेस हैं ये बहुत जल्दी एक पूरे फेफड़े को इन्वॉल्व कर लेते हैं, और जब आपका एक फेफड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और दूसरा फेफड़ा भी अफेक्ट हो जाता है तो सांस लेने के लिए रिजर्व बहुत थोड़ा रह जाता है, और फिर मरीज़ को वेंटिलेटर यानी कि मसनूई सांस की मशीन पर डालना पड़ता है ताकि मरीज़ को टाइम मिल सके और उस बीमारी से वो रिकवर कर सके। मगर क्योंकि जो मरीज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं पहले ही, जिनको और बीमारियाँ साथ हैं या बहुत बूढ़े हैं या बच्चे हैं, उनमें कुव्वत मुदाफियत कम होती है, इसलिए उनका इस वायरस से मुतासर होना और डेथ होने का चांसेस भी हैं। जैसे कि चाइना में 80 के करीब लोग इस वायरस से फौत हो चुके हैं। मगर अगर आप अभी तो डाटा उस तरह सामने नहीं आया, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब ये फिगर्स क्लियर होंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरह हम लोगों ने पीछे जब हमारे भी इस तरह के कुछ केसेस पिछले साल इन्फ्लुएंजा के आए जिनमें डेथ्स भी हुई लोगों की, तो ये वो केसेस थे जो कि जिनमें मल्टीपल बीमारियाँ साथ थी। यूजुअली नौजवान लोग जिनमें कोई बीमारी साथ ना हो वो यूजुअली रिकवर कर जाते हैं। इन वायरसेस की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस आती हैं, यानी कि ये अपनी जीन्स को तब्दील करते हैं और एक नई डेडली किस्म इख्तियार कर लेते हैं, और ये हर 6 महीने बाद इनकी जो जेनेटिक म्यूटेशंस आती हैं। जिस तरह इन्फ्लुएंजा वायरस की अगर आप देखें तो हर 6 माह बाद WHO एक वैक्सीन रिलीज़ करती है जो कि नई वैक्सीन होती है, और पुरानी वैक्सीन ख़त्म हो जाती है क्योंकि WHO हर 6 महीने के अंदर इन पर एक इनके जो जेनेटिक टेस्टिंग करती रहती है और उसके हिसाब से वायरस की वैक्सीन बनाती है। कोरोना वायरस क्योंकि नया आया और इसमें एक जानवरों से भी इसकी ट्रांसमिशन का इंसानों में एलिमेंट था चाइना के अंदर, तो उस वजह से ये इसकी वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है और बन नहीं सकी। ऑल्दो इस पर काम हो रहा है और अब 6-6 महीने बाद इसकी भी वैक्सीन आने लग जाएंगी। और कोई स्पेसिफिक जानवर है कि जिससे वायरस जो है? देखिए, ये बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सी फूड से आया है और चाइना के अंदर कुछ कोई केकड़े और इस तरह की चीज़ें हैं, कोई फिश मार्केट है वहाँ से ये पहली दफ़ा इंसानों में आया,
ये डेफिनेटली डेटा विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगा, क्योंकि अभी सिर्फ एक मुंह जबानी बातें हैं जो मीडिया पे चल रही हैं, वो चीज़ें कोई रिसर्चेस नहीं हो सकी क्योंकि अच्छा, नया डॉक्टर वायरस साहब, अगर ये वायरस किसी को हो जाए और देखिए, ये लाहौर में भी पैनिक लोगों ने फैलाया है, कुछ चली हुई खबरें कि जी आ गए कोरोना वायरस के जी जी मरीज, जी 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 वो नहीं थे, वो डिस्चार्ज हो गए हैं कोई हल्के से फ्लू के साथ। अब जिस तरह मैंने अलामत बताई है कि जी फ्लू हो गया, तो कल ये बंदा सुनने वाला हर बंदा ये समझे कि लो भाई मुझे कोरोना वायरस हो गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सर, अगर ये किसी को हो जाए तो उसके इर्द गिर्द के लोग क्या एहतियाती तदाबीर लें? देखिए जी, वैसे भी क्योंकि ये तो पता नहीं लग सकता कि ये कोरोना वायरस है या नहीं, कौन सा सर, वायरस है, इसके क्योंकि सिम्टम्स वायरल हैं फ्लू, इसके सिम्टम्स खांसी, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज। ये ज़रूरी है कि जो भी बंदा वहाँ पे उसके क्लोज विसिनिटी में है, वो 2 मीटर का फासला रखें उस बंदे से, और अगर कोई छींक रहा है या खांसी कर रहा है तो उसको कहें कि रुमाल का इस्तेमाल करे, मुंह के आगे हाथ रखे, हाथों को नाक को अपने चेहरे को बार बार पानी से धोते रहें, ताकि अगर कोई वायरस या कोई चीज़ अक्वायर करते हैं तो वो साफ़ हो जाए। जिस तरह डॉक्टर जावेद अकरम हैं हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने भी कहा कि वज़ू अगर आप 5 टाइम नमाज के लिए पढ़ेंगे तो आप वायरस से भी महफूज रहेंगे। डेफिनेटली सफाई से और धोने से अपना बार बार, आपकी जो स्किन है, म्यूकोजा है, जो आँखों की कंजंक्टिवा है, वो इन कॉन्टैक्ट नहीं आती, और नाक में भी पानी डालने से आपका ये जो अंदर वाली लाइनिंग है ये साफ़ हो जाती है, एक तो रिपोर्ट उससे के फिर आप मुताबिक एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर साहब, सुनने में आया है कि दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां पे एयरपोर्ट्स पे थर्मल स्कैनर्स लगा दिए गए हैं इस वायरस की जांच के लिए, इसमें कितनी सदाकत है? थर्मल स्कैनर सर एक सिंपल सा थर्मोमीटर है जो कि आप क्लिनिक पे भी आपने देखा होगा, आजकल नए आए हैं जो माथे पे इस तरह करके वो टेम्परेचर देख लेते हैं, वो बेसिकली एक सिंपल स्क्रीनिंग मेथड है। थर्मल स्कैनर कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, वो आप मैं यहाँ पे भी कर सकते हैं, आप निकाल के किस तरह आपको देखेंगे, या 100 बंदे को अगर आप देखते जाएंगे तो वो 30 सेकंड या 40 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर आपको बता देता है कि टेम्परेचर इतना है, तो वो उनको सबको जो बंदे स्क्रीन कर रहे हैं उनको एक अंदाज़ा है कि यार ये बॉडी टेम्परेचर 98.6 से ऊपर जिनका आ रहा है 101, या तो उसको क्वारंटाइन कर रहे हैं, मरीज को अलग करें, मतलब फ़ायदा हो रहा है और उससे उस बस एक तसल्ली कर, स्क्रीनिंग का कोई तो तरीका निकालना है ना, फ्लू करने ये तो नहीं आप देख सकते कि जो बंदा छींक मारा उसको पकड़ के आप अलग कर दें और उसे कहें कि भाई तुम्हें कोई ऐसी बीमारी होगी कि अब तुम लोगों से नहीं मिल सकते, तो वो उन्होंने इस तरह एक स्क्रीनिंग का तरीका निकाला है कि जो दूसरे मुल्कों से लोग आ रहे हैं उनमें से अगर कोई बीमार है जो पैसेंजर, तो उसको अलग कर लें और उसको आप स्क्रीन करें। पाकिस्तान में इसकी टेस्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, और डेफिनेटली जो पीछे भी जिन मरीजों पर शुबा लाहौर में जाहिर किया था लोगों ने कि जी हमें हो गया, उनके टेस्ट हांगकॉन्ग से कराए गए हैं, रिपोर्टिंग क्लियर आई है, तो उनको घर भेज दिया गया। सर, ये वायरस एग्जिस्ट कर रहा है तो अमवात हो रही हैं, देखिए चाइना में हुई हैं, इसको यहाँ आके फैलने में पाकिस्तान में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने उधर से जो तलबा हैं उनको वापस शिफ्ट नहीं किया, पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई ट्रेवल नहीं हो रहा, जिस तरह कॉन्गो वायरस है आपको याद होगा तो ईद पे हर दफ़ा फैलता है, जी जी, क्योंकि जब भेड़ बकरियाँ बहुत पैमाने पे ट्रांसमिट होती हैं, जब कसाई बहुत बड़े पैमाने पे उनको ज़िबा करते हैं, गोश्त बनता है, तो कट लगने से कोरोना सॉरी जो कॉन्गो वायरस है उसके ट्रांसमिट होने का ख़तरा होता है, तो कोरोना वायरस भी ऐसे ही है कि उधर से कोई बंदा इधर आएगा, कोई ट्रैवल में साथ लाएगा तो फिर ही फैलेगा, वैसे नहीं फैल सकता। तो मतलब कि अभी हमारे पास इसकी अभी कोई तो इसलिए आप देख लें, उन्होंने नहीं बंद कर दिया है, वजारत सेहत ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फेडरल ने, उन्होंने कहा कि जी हम नहीं मंगवा रहे लोगों को वहाँ से वापस, हालांकि पाकिस्तानी तलबा वहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें वापस ले जाएं पाकिस्तान और हमें वहाँ से निकालें जो वहाँ गए हुए हैं, मगर अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नहीं किया कि वहाँ से आ जाएं, और बहुत सारे मुल्कों ने फ्लाइटें भी चाइना से बंद कर दी हैं। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने खदशात जाहिर किए हैं इस वायरस को लेकर सर। बहुत सारी जगहों पे फैल भी गया, 16 मुल्कों में पहुँच भी गया, मगर वो जिन मुल्कों में पहुँचा है वो वहीं से ट्रेवल करके आए हैं, इसीलिए एयरपोर्ट्स पर स्कैनर्स लगा के स्कैन किया जा रहा है लोगों को, ताकि वो कोशिश कर रहे हैं कि यार ना फैले। डेफिनेटली एक एहतियाती तदाबीर तो हर मुल्क अपने अपने तौर पर कोशिश कर रहा है, मगर अभी तक अल्लाह के शुक्र है कि पाकिस्तान में ये नहीं शुरू हुआ, मगर लोगों के लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि देखें ये वायरस हो या कोई और वायरस जो सांस के ज़रिए बीमारियां फैलती हैं, जिनमें टीबी है, इन्फ्लुएंजा है, और भी कई वायरसेस हैं, एडीनो वायरस है, ये सारे जो ये हैं इस किस्म के कि जब मैं छींक मारूंगा या कोई बंदा मेरी रेंज में खांसी करूंगा तो 2 मीटर तक मौजूद आदमी को एक ड्रॉपलेट जाता है फुहार वायरस की, तो आपको दूसरे बंदे से जो इसको फ्लू है उसे 2 मीटर का फासला रखना है, उसको कहना है कि मुंह के आगे हाथ रखो या रुमाल रखो, यार इस तरह डायरेक्ट छींके ना मारो, जगह जगह थूको नहीं, ये स्कूलों के छोटे बच्चों को सिखाने की और पढ़ाने की ज़रूरत है, जिस तरह डेंगी पे पढ़ाया गया है, और हमने बकायदा डॉक्टर्स ने इसके ऊपर एक किताब भी बनाई है जिसमें हमने मुख्तलिफ बीमारियों की स्टोरीज बना के डाली हैं, वो पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड की वेबसाइट पर भी पड़ी हुई है, PITB की तरफ से जो ई लर्न इनिशिएटिव पढ़ा हुआ है उस पर भी हमारी बुक मौजूद है सेहत तालीम से, और उसको पढ़ के ईजिली ऑनलाइन आपको अंदाज़ा बहुत सारी बीमारियों से बचने के तरीके उसमें लिखे हैं, क्योंकि हमें बहुत बड़ी तादाद में अस्पतालों में रश होता है मरीजों का, और फिर वी फील कि अगर शायद लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस दे दी जाए जो आप लोग जिस तरह दे रहे हैं तो इससे बहुत फ़ायदा होता है, और अगर कोई बंदा ये सुन लेता है और वो थोड़ा सा एक फ्लू लोगों का ही एहतियात कर लेता है, जिस तरह इस कमरा है ये क्लोज्ड कमरा है,
अगर एक कमरा घर में, वहाँ एक बच्चा बीमार है, तो आप कम से कम उस कमरे में एक एग्जॉस्ट फैन ज़रूर चला दें कि वो जब थींक मारे तो वो एग्जॉस्ट बाहर खींच ले, बिल्कुल हवा बंद ना रहे। अगर एक बच्चा बीमार हो गया तो उसको बाकी बच्चों से अलग रखें सांस की बीमारी में। सिमिलर टीबी के अंदर भी ऐसा अच्छा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि अभी इसकी कोई वैक्सीनेशन जो है वो डायग्नोज नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अगर ये वायरस पाकिस्तान में, अल्लाह ना करे कि आए, अगर आ जाए तो अबरप्ट ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? देखिए जी, ट्रीटमेंट मौजूद है, अस्पताल भी मौजूद हैं, बड़े बड़े टीचिंग अस्पताल हैं, बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल हैं, आईसीयूज़ भी हैं। गवर्नमेंट ने एहतियाती तौर पे पहले ही अस्पतालों में आईसीयूज़ में जगह भी बना ली है, वार्ड्स भी एक तश्कील दिए जा रहे हैं, आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जा रहे हैं, और डॉक्टरों को एक किट भी फराहम की गई है, जो कि एक कोंगो वायरस में भी वही किट है, इन्फ्लुएंजा में भी वही किट है, और इसमें भी वही किट है, जो आपको पूरा एक कवर करती है। गॉगल्स सिर्फ मेरा ख्याल है लास्ट टाइम किट में नहीं थे, वो अब ये देंगे। तो N95 मास्क है, जो कि एक लगा लगा के तो आप उससे आप बच सकते हैं इससे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर सलमान काजमी साहब हमारे साथ, जिन्होंने कोरोना वायरस के ऊपर के सवालात, हमारे सवालात के मुतल्लिक अपने जवाबात दिए और हमारे नाज़रीन को आगाह किया कि इसे कैसे बचा जाए और किस तरह से ट्रीटमेंट ली जाए। इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ुबैर शारिक लाइव सेवे प्रोग्राम से अलविदा चाहूँगा।